कसूर में डीएच के अस्पताल के स्टाफ का आने वाले मरीजों के साथ नारवा सलूक बदतमीजी मामूल बन गया। इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ ने सीनियर साफी सज्जाद अंसारी के साथ नारवा रवैया अपनाया। साफी सज्जाद अंसारी अपनी अहलिया को शदीद सीने में दर्द पर इमरजेंसी वार्ड में ले गया। 30 मिनट तक स्टाफ को कहता रहा कि इसी जी कर दें, मगर स्टाफ ने बार बार कहना अपनी तौहीन समझी और बदतमीजी पर उतर आया। शहरी ने अस्पताल इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद इस बारे में बात कर लेते अपने नुमाइंदे महरमीन से। जी अमीन, बताएगा इस वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के स्टाफ का अस्पताल में आने वाले मरीजों और इनके साथ लवाहकीन के साथ बदतमीजी और नारवा सलूक और लड़ाई झगड़े करना मामूल बन चुका है। इसी तरह निजी चैनल के ब्यूरो चीफ सज्जाद अंसारी की अहलिया की तबीयत खराब हुई थी, उसके सीने में दर्द था, तो वो एमरजेंसी की सूरत में एमरजेंसी वार्ड में लेकर आए तो आधा घंटा तक स्टाफ को ईसीजी करने का कहते रहे। तो बार बार कहने से स्टाफ ने अपनी तौहीन समझी और बदतमीजी शुरू कर दी। जब स्टाफ के इस नारवा सलूक के बारे में असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू को इस बारे में बताया, उसके नोटिस में लाए, तो स्टाफ ने मरीजा की एसीजी और इलाज मुआवजा करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो स्टाफ की मरीजों के साथ बदतमीजी और बदअखलाकी की, इससे पहले भी कई बार जो है वाकयात सामने आ चुके हैं और कई बार इंतजामिया को भी इसके बारे में आगाह किया गया है, मगर अस्पताल इंतजामिया और जिली इंतजामिया स्टाफ के सामने बेबस नजर आई है। तो सीनियर सहाफी सज्जाद अंसारी के साथ अस्पताल के स्टाफ का नारवा सलूक और बदतमीजी करने पर सहाफती तनजीमें हैं जो सरापा एहतजाज हैं। सहाफती तनजीमों का वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर सेहत से मुतालबा है कि जुम्मेदारान खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मारमीन, आप हमें तफसील दे रहे थे। बुलवाल में लोड